हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भवानी को मनाते रहिए। एक बात बोल के जाऊंगी कि ऐ माँ मुझे हमेशा तेरी मेहरबानी चाहिए, खुश रहूं हमेशा वही जिंदगानी चाहिए। खैर मांगती हूँ, भला मांगती हूँ मैं सारे जमाने के लिए। और भी सिंगर है सभी का। ईश्वर ने हम लोगों के लिए मनुष्य का शरीर दिया है तो इसकी कीमत हम आइए, इंसान को एक चेतावनी दी गई है। ऐ इंसान, यह जो मनुष्य का शरीर तुमने पाया है ये बार बार नहीं मिलने वाला, सो इसकी कीमत समझो। और आइए किस प्रकार से इंसान को समझाया कि ये जो शरीर है ये हम नहीं है, ये नहीं हो तुम क्या हो? आत्मा हो। और ये जो शरीर है वो हमारी आत्मा को रहने के लिए एक मकान मिला है, तो आओ इसकी कदर जाने। किस प्रकार से कहा इंसान से, किया मनुष्य नर्तन फिर ना मिले को बांधे है जी। तो आइए किस प्रकार से इंसान को समझाया सुनिए और बोले। कहते हैं कि भोग में और अगर ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान बिना पशु जान। यहाँ पर आप माँ के दरबार में बैठे हो, गुणगान कर सकते हो आप लोगों से। बड़े भाग्य नर ने हज पाई भटक भटक चौरासी, बड़े भाग्य नर ने हज पाई भटक भटक चौरासी, भटक भटक चौरासी। जो पाई भटक भटक चौरासी, कभी तू कीट पतंगा ना जाने क्या क्या घोड़ा गधा बन करके तूने इस दुनिया से नाता पहले भी जोड़ा है, लेकिन ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो मनुष्य का शरीर दिया। कहते हैं हम लोग नहीं, आप लोग जैसे ताश खेलते हैं, कई गेम होते हैं ऐसे जिसमें एक लास्ट बारी होती है, बोले अगर आप इसमें जीत गए तो जीत गए वरना पूरी बाजी पलट जाएगी, ऐसा होता है, आखिरी दाव होता है जी। वैसे ही बोला कि बड़े भाग्य नर देह जो पाई भटक भटक चौरासी, और अब के दाव चूक जाए भैया फिर पड़ेगी गल फांसी, फिर से उसी नरक में जाओगे अगर इस बार भी आप नहीं जीते। कि अब के दाव चूक जाए भैया फिर पड़ेगी गल फांसी, के डंडा के डंडा डंडा पीठ पे पड़ेगा।